दुनियाए अहले सुन्नत में हमेशा से हत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन बाद से तकफीर का सिलसिला शुरू हुआ और हमेशा हमने तवज्जो दिलाई, सबसे पहले जो शिकार हुए इस तकफीर के जाली फतवे के वो हुए जनाब हज़रत मालिक इब्न नुवैरा। उन्हें इस जाली फतवे के ज़रिए से, तकफीर के ज़रिए से कत्ल किया गया। उनके सर को तन से जुदा करके खालिद इब्न वलीद ने ईंटों के तौर पर सर को इस्तेमाल किया और उस पर खाना पकाया और इन सब लोगों ने खाना खाया और उनकी ज़ौजा की हुरमत को पामाल किया गया और बहुत सारी मुसलमान और ख़वातीन की हुरमत को पामाल किया गया और उन्हें कनीज़ बनाया गया। तो ये सिलसिला जो वहाँ से शुरू हुआ ये चलते चलते आज तक चल रहा है। अब बिला शक इस मौजू को डिस्कस करने की जो असल वजह है वो ये है कि हमें हर दौर में झूठी दास्तानें बना के कत्ल किया गया, जिनमें से एक मशहूर तरीन दास्तान की जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि जी शियों का कुरान बकरी खा गई, ऐसी कोई रिवायत हमारे यहाँ नहीं है। ये एक गलत नज़रिया जनाब आयशा ने दिया था अपने एक गलत फतवे को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि वो फरमाती थी कि बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाया जा सकता है। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि ये कुरान में आयत थी, कहाँ गई? जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम लोग उनके कामों में मसरूफ़ थे, यानी उनकी तशरीह जनाजा वगैरह में, और उस दौरान कुरान मेरे बिस्तर के नीचे था और बहुत हज़रत आयशा का बकरी आई और खा गई। यानी वाज़े अल्लाह सुबहानहू व तआला की जानिब एक निस्बत और साथ ही तहरीफ़ कुरान का वाज़े इकरार, और ये सुनन माजा में मौजूद है। अब इसको छुपाने के लिए उलमा अहले सुन्नत ने एक दास्तान बनाई कि शिया अकीदा रखते हैं और ये नस्बत दे के उन्होंने हमें कत्ल करवाया। अब क्योंकि हमें कत्ल किया जा रहा है सदियों से लाखों करोड़ों की तादाद में, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बरादरान अहले सुन्नत के सामने इनके उलमा की इस साजिश को और इस चीज़ को क्लियर करें कि किस तरह से ये हज़ारों लाखों करोड़ों अफराद को इस तरह से कत्ल करते चले आए हैं। अब भी इस मौजू के डिस्कस करने का असल हदफ यही है। बस ये जो तकफीर का सिलसिला है कि सारे देवबंदियों को बरेलवी काफिर कहें, बरेलवियों को देवबंदी काफिर कहें, ये मिलके अहले हदीस को काफिर कहें, ये सब मिलके शियों को काफिर कहें, तो हम इसके कायल नहीं हैं। हम इन सबको मुसलमान मानते हैं, इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू का एहतराम करते हैं।